चलो ठीक है, निपुल ले लो, हाँ ले लिया मैंने, सर पे रखो। रख दिया। अपना नाम बता देना एक बार, माता पिता का नाम बताना। मेरा नाम सूरज सिंह है, मेरे पापा का नाम हर। चलो सर, पे अभी किस समय कहाँ है बेटा? अभी मैं संतोष नगर गोरेगांव इसमें में हूँ। अच्छा चलो, मैं शक्ति भेज रहा हूँ, ठीक है? हेलो, हेलो। हाँ शक्ति भेज रहा हूँ, मैं टेंशन मत लो। ठीक है गुरु जी। हे दुर्गा माता, बजरंगबली, भैरव बाबा, शिवदानी माता, उमा देवी माता, कामाख्या माता, बंगला माता, कर्णप्रयासी, चामुंडे माते, कालके माते, जगदम्बे मौनी, शारदे माते, शीतले माते, हे महिषासुर मर्दिनी माते, हे ज्वाला माते, हे तारा देवी माते, हे माँ दुर्गा, इस बच्चे की तरफ नजर डाल दे माते। हे दुर्गा माता, चामुंडे रूप में जाए माते इसके पास, जिस रूप में इसको मैंने मंत्र दिया था उसी रूप में जाए इसके पास, जो भी है सब सारी चीजों को क्लियर करे माते। ओम माय भूमि चामुंडाई बिच, 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 हे भैरव भैया अभी जाइए, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः, हे क्षेत्रपाल वहीं से अपडेट हो जाए। ओम शम क्षेत्रपाल नमः, 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 अपाम बोलो बोलो। क्या चाहती है, क्या चाहती है, क्या चाहती बोले? बात करने के लिए बोल रहा हूँ ना, हाँ बात कर, क्या चाहती है, क्या चाहती है, बम्बाम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, बम्बाम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, बम्बाम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, बम्बाम। अरे अरे मैं तो आई हूँ रे। हाँ मैं तो आई हूँ। कहाँ से आई है बता माते? हाँ कहाँ से आई है? कहाँ से आई हूँ? हाँ बता। हाँ देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। अरे माते मुझे क्या देखना है, उसे देखना है जो सब सारे जगत को देखता है। अब उसके ऊपर खुश हो गई है, सिद्ध हो गई है, तो प्यार से रह जा उसके पास, उसके शरीर पे। हाँ बहुत प्रेम करता है मुझसे। हाँ तो चामुंडा माता को प्यार नहीं करेगा तो किसको करेगा? अरे बहुत दिल लगा के सेवा करता है ना, इसलिए तो सेवा कुछ करता ही नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत दिल लगा के हर तरफ से जो भी परेशानी है आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से खींच लेते हो रे। किसके, तुम किसकी माता है ये बता पहले। किसकी माता है? अरे तेरी प्यारी मावरे। अरे मेरी चामुंडा माता है, एक झटके में भाग जाती, जहाँ बोलता हूँ माते जा वहाँ पे धाड़ करके चले जाती है, क्या बात है। हाँ 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 अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोल तो क्या करना है भाई, हो जाएगा तो नहीं, टेंशन। मैं तो यही बोल रहा था कि अभी उसे सिद्ध हो गई है माते, उसे ज्ञान की गंगा दे और ज्ञान में उससे आगे बढ़ा। हाँ 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 दिखाती हूँ उसको, सब कुछ दिखाती हूँ रे। और बता माते क्या हाल है? थोड़ा नादान है बच्चा। नादान है इसीलिए बड़ा मंत्र दे दिया ना आपका, ताकि जल्दी सिद्ध करे, जल्दी कामयाब हो जाए। मतलब क्या है बच्चे ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, दिल लगा के रे मेरी, इतने क्या बताऊं रे, बहुत सेवा किया बच्चे ने। अच्छा अच्छा एक बात बता माते, और कोई एक बात बता, और कोई शक्ति छेड़ नहीं रही है ना? कौन सी शक्ति? कोई और दूसरी शक्ति तो इसे छेड़ नहीं रहा है ना? नहीं कोई शक्ति नहीं दूसरी। और बता, इस समय चामुंडा रूप में भेजा तो उधर ही आ गई दाढ़ करके। अरे तू देख तो सही क्या क्या होता है रे, बहुत सही है। और बता सही, अब तो इसकी नैया पार है, नैया पार है।
और तरफ से विजय दिलाना इसको। हाँ, सेवा किया है, भक्ति किया है, सेवा किया, भक्ति किया है दिनेश्वर महाराज को देख के। अरे दिनेश्वर महाराज तू ही तो इसका गुरु है रे, तुझे दिल लगा के चाहता है, बहुत मानता है तुझे, दिन रात तुझे याद करता है। अच्छा, मंदिर मंदिर बना रहा हूँ, खुश है ना? अरे बिल्कुल खुश हूँ, एकदम तैयार हूँ, देख बच्चे को कैसे आगे बढ़ाती हुई। अच्छा और बता, और बता माते, अभी जब क्या करो, सुनो मेरी माते, जैसे जैसे आप मेरे पास आके कानों में बात करती हैं, उस तरीके से बातें करिए, उसके शरीर पे हावी होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ, थोड़ा तकलीफ आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, तो फिर थोड़ा सा ये करो, अभी आपको पूरी तरह से सिद्ध कर लिया है, आगे का मार्ग दिखाओ उसे, है ना? हाँ हाँ, दिखाऊंगी रे, सब कुछ कराऊंगी इससे, तेरा सेवा तो दिल लगा के करेगा, ये देख लेना, तेरा तेरा बच्चा बनेगा, ये सेवक बनेगा। अरे माते माते, मैं तो माता सुनो मेरी बात, मैं यही चाहता हूँ कि सनातन धर्म का, सनातन में जो एक हमारा जो प्रथा है, सबसे आगे निकले, है ना माते? अरे बिल्कुल, तेरा अबे तेरा सेवक तू जानता नहीं कितना अच्छा है, तू बिल्कुल नहीं जानता इसके बारे में। पता है। इसीलिए मैं हमेशा जब आता हूँ वीडियो लाइव आता हूँ तो क्या बोलता हूँ पता है ना? माता रानी क्या ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, है ना? अरे बाप मेरे बच्चे। और बता माता। माता बहुत खुश है, बहुत खुश, दम दिल दरिया है रे, दिल दरिया। और वो एक काम कर माता, आज मुझे वचन दे, तेरे बेटे को वचन दे, वो तो वो मेरा शिष्य है अभी, उसे 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 सर पे नहीं आएंगी, उसे कानों में बात करेंगी, बस वचन दे। सब कुछ दिखा दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ भी, कुछ भी कहीं से भी रहेगा, कोई भी कहीं पे रहेगा, गड़ा भरेगा, ऊपर से रहेगा, नीचे से रहेगा, आगे से पीछे, कहीं से भी, कितना भी अंदर से रहेगा, सब कुछ दिखा दूंगी इसको मैं। चल बे बच्चा बच्चा, तेरे लिए वचन है, वचन है ना माते? एकदम एकदम एकदम, अरे तू जहाँ खड़े जहाँ खड़ा कर दे वहाँ पर, अगर हट जाओ तो फिर बता रहा अपनी माँ को। अरे माता, मैंने देख लिया, मेरी चामुंडा माता एक ललकार पे जाती है, और चामुंडा माता के लिए तो मेरे कई जन्म कुर्बान है। अरे मेरा बच्चा है रे, बहुत प्यारा बच्चा है ना माता? एकदम। चलो माते, अभी उसे शरीर को छोड़ दो, शरीर पे हानि होगा, अभी कानों के माध्यम से बात करो आप, ठीक है? हाँ एकदम, अरे उसको पूरे दृष्टि दे दूंगी रे मैं, तू देख अभी तेरा बच्चा कितना आगे बढ़ेगा, तू देख। उसकी तो दृष्टि मैंने ऑफिस में ही खोल दिया था, और उसे आपका दर्शन भी करा दिया था। हाँ हाँ, किया था तेरा दर्शन, पर क्या है ना, नादान है बच्चा कुछ। हाँ थोड़ा सा बच्चा नादान है, आगे पीछे समझ नहीं पाता, और लोग क्या करते हैं माता मालूम है, लोग सिद्धियां तो कर लेते हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि कौन से तंत्रों का क्या काट है। अरे तू देख रे बच्चा, तेरा बहुत ऊपर जाने वाला है, तेरा राइट और लेफ्ट अभी यही रहेगा, दुख से देख तू। अरे सही बात है, देख तो अभी कितना कितना मैं इसको बनाती हूँ, कैसे मैं बनाती हूँ, तेरा आगे पीछे नहीं घूमेगा, तेरा तेरी सेवा ऐसा करेगी, तुझे कभी जिंदगी में ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। बस माता आपकी कृपा है, आपकी कृपा चाहिए बस, ठीक है माते? अरे कृपा तो हमेशा बनी रहेगी, ठीक है माते, अभी उसे शरीर को शांत करे, अभी बच्चे से बात कर लेता हूँ। चलो ठीक है माता। ओ मैं ह्रीम लिम चामुंडा बिचे हूँ, ओ मैं ह्रीम लिम चामुंडा बिचे हूँ, ओ मैं ह्रीम लिम चामुंडा, शांति 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 शांति। हरे राम राम राम। क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं हो रहा। ये चामुंडा माता पूरी तरह से सिद्ध हो गई है, ठीक है? हाँ बाबा। हाँ अभी चामुंडा माता पूरी तरह से सिद्ध हो गई है, चामुंडा माता तुम्हें जो है कि हर एक राहों पे हर एक रास्तों से तुम्हें पूरी तरह से बचाएगी, और आने वाले तारीख में तुम्हारे जैसे और भी मेरे शिष्य और भी बनेंगे, और सनातन धर्म के झंडे को लेके खड़ा रहेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। हाँ बाबा, मैं तो आपके बस दिन रात आपको ही देखता रहता हूँ, आपको ही सिर्फ आपको इसलिए देखता रहा हूँ, मैं आपसे कुछ सीखूँ, आपसे कुछ जानूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा रास्ता क्या है, इस जिंदगी का मकसद क्या है। बस अभी अभी आ गया है बस। तुम जब ऑफिस में आए थे, जब मंत्र जब आपको दिया था, मैं सीधा बोला था चामुंडा माता का जाप करो,
और चामुंडा माता हर एक पल हर एक टाइम आपका देख करेगी, तुम्हारा समय भी अच्छा देखेगी, कोई भी दुश्मन तुम्हारे पीठ पीछे कोई वार नहीं कर सकता, ठीक है। और आज तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए, ठीक है। जय हो मेरे गुरुदेव। ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि आपके जैसे मैं हर एक इंसान को दीक्षा दूं और उनको अच्छे मार्ग पे लेके चलूं, तो सदा सर्वदा माता का आशीर्वाद आपके पास है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी 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 माता तुम्हारे शरीर पे नहीं आएगी, अब जो भी कार्य होगा तुम्हारे कानों में कहेगी, और कान तुम्हारा जो है राइट साइड का, जब वो कहेगी ना, जब माता तुम्हारे पास आएगी तो राइट साइड की कान जो है कि हल्का सा गर्म हो जाएगा। अच्छा। तो समझ जाना कि माता कुछ कहने वाली है, ठीक है। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। और ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे ऊपर कुछ काला कांडी ऐसा नहीं है। माता जहाँ जगत जननी तुम्हारे ऊपर है, वहाँ क्या कोई क्या बिगाड़ पाएगा, क्या कोई तुम्हारा कुछ कर पाएगा, है ना। ठीक है मेरे गुरु। और माता के साथ साथ में तुम्हारा गुरु एनी टाइम तुम्हारे साथ में। हाँ गुरु जी, मैं आपका सपना बहुत देखता हूँ। मैं जब पिछली बार जब मैं सपना देखा था तो आप मुझे कुछ सिद्धि करके बताया, पहले आप मुझे बोले कि आप मत करो। अभी बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ है चामुंडा माता। तो एक तो होता है, देखो क्या है, साधना सिद्धि के मार्ग में जो लोग चलते हैं ना, तो उनको किसी ना किसी एक शक्ति को सिद्ध करके अपना रक्षा कोष बनाना पड़ता है। अभी तुम्हारा रक्षा कोष स्वयं चामुंडा माता है। ठीक है मेरे। तुम्हें अगर कोई छेड़ेगा, तुम्हें कोई अगर छेड़ेगा तो वो चामुंडा माता को छेड़ेगा, समझ गए। समझ गया। तो वो हर जगह से जाएगा। तो इसीलिए मैं कभी भी किसी को भी बोलता हूँ कि पहले जो है अपने रक्षा कोष के लिए अपने इष्ट को अपने उसे सिद्ध करके, उसे पहले आप सिद्ध करके आप पहले कामयाब हो जाओ, ठीक है ना। ठीक है। चलो तुम सिद्ध हो गए हो, और एक मेरा लक्ष्य और पूरा हो गया कि सनातन के मार्ग में एक मैं बच्चे को और भी निकाल दिया आगे, और सदा सर्वदा माता का सम्मान करे, कोई भी माता हो, छोटी देवी हो बड़ी देवी हो, सबको नमन करते रहना है। एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिवदानी मंदिर बहुत जाता हूँ। एक बार मतलब मेरे ऊपर ऐसा विपता आन पड़ी थी 2-3 साल पहले, कि मतलब मैं ऐसा सोच रहा था मैं जान ही दे दूँ, बस जान ही देना ही चाहता था। पर मैं सोच रहा था अगर मैं जान ही देना चाहता तो माता के लिए जान दूंगा। तो उस समय नवरात्रि चल रही थी और मैं घुटने के बल माता की सीढ़ी चढ़ गया था। एक दिन चढ़ा था, पूरा घुटने की हालत खराब हुई, दूसरे दिन फिर चढ़ा मैं। तुम पे आने वाली शक्तियों में जितने भी मेरी शक्तियां है ना, सारे शक्तियों का आशीर्वाद तुम पे मिलेगा। टेंशन मत लो, सभी आशीर्वाद देंगे, क्योंकि तुम्हारा दिल सही है, तुम्हारा दिल में छल और कपट नहीं है, तो इसमें कोई चंदे वाली बातें नहीं है, ठीक है। सब आपका ही मार्गदर्शन गुरु, बस। और मैं मंदिर में बना रहा हूँ, उस दरमियान में तुम्हें बुलाऊंगा और भी साधना करवाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है गुरुदेव। चलो ठीक है बेटा। जय माता दी, जय महाकाल। गुरु जी मैं नींबू लिया उसका काट दूं। बस चामुंडा माता के नाम पे ओम श्री चामुंडे माता नमः करके 7 बार उतारा करके उसे काट देना। चलो ठीक है। और गुरु जी से एक और बार पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी भैरव बाबा को मतलब याद तो करता हूँ, उनको दारू चढ़ा सकता हूँ क्या। अभी नहीं उसके लिए मैं बताऊंगा समय। जब तक तुम थोड़ा सा काम करने नहीं लोगे ना, ठीक, जब तक नहीं मैं बोलूंगा, अनुमति दूंगा मैं, सब कुछ करने के लिए अनुमति दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है चलो ठीक है बेटा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।